दिवाली 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 दोस्तों, एक छोटा सा गांव है जहां पर हर किसी को अपनी दिवाली बनानी है, लेकिन उनके पास दिवाली मनाने के लिए पैसे ही नहीं होते। अब ऐसे में जो चीजें आपको देखने को मिलेगी ना, उसे देखकर आपका इंटरेस्ट तो पक्का बन जाएगा। वेल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कीड़ा मूवी की, जो कि एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। लगभग 2 घंटे की ये मूवी क्या कुछ खास इंटरेस्टिंग चीजें लेके आती है, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म इंटरनेट में। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इस मूवी की कहानी की, तो मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा विलेज होता है तानापल्ली नाम का। वहाँ पर एक फैमिली होती है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब होती है, और उस फैमिली के अंदर होते हैं एक दादाजी जो कि अपने पोते को कपड़े दिलाना चाहते हैं, लेकिन कपड़े दिलाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते। अब ऐसे में क्या होता है कि वो बकरी को बेचने का सोचते हैं, लेकिन उनकी बकरी चोरी हो जाती है। अब दूसरी साइड एक और फैमिली होती है, वो ये सोचते हैं कि वो भी अपना कुछ बिजनेस शुरू करेंगे और उस बिजनेस से जो पैसा आएगा उससे अच्छी दिवाली बनाएंगे, लेकिन उनका बिजनेस भी शुरू नहीं हो पाता। और तीसरी तरफ एक ऐसा भी ग्रुप होता है जो कि चोरियां कर करके अपनी दिवाली बनाना चाहते हैं। अब इन तीनों की जो कड़ियां होती है ना, ये आपस में जुड़ती हैं। अब वो किस तरीके से जुड़ती हैं और आखिर उसकी बकरी कैसे चोरी हुई है और वो असल में बिजनेस शुरू कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, ये एक सिंपल ड्रामा मूवी है जिसे देखकर आपको सच में ही इंटरेस्ट आने वाला है, यानी कि जो इस मूवी का स्क्रीन प्ले है ना, वो आपको एंड तक बांध के रखेगा। ये मूवी आपको एक रियलिटी से कनेक्ट करेगी, क्योंकि जो आमतौर पर जो अपने आसपास या अपने घरों में जो चीजें देखते हो ना, वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। और मूवी का जो प्रेजेंट करने का तरीका है ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। खासकर इस मूवी के अंदर जो करेक्टर्स की परफॉर्मेंसेज है ना, वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है, यानी कि आप मूवी के एंड तक उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, खासकर उस दादाजी और उसके पोते की परफॉर्मेंसेज देख के। तो दोस्तों, आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 8/10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।